बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हस्ती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। चाहता तो हूँ ये दुनिया बदल दूँ, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहन कर देख ली, वक्त फिर भी मेरे हिसाब से कभी न चला। यूं ही हम दिल को साफ रखा करते थे, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की होती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी नहीं खरीदा जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर। हरिवंश राय जी बच्चन। दोस्तों आप ये कविता सुन रहे थे मेरी यानी विवेकानंद विमल की आवाज में। कविता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।